नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में देश में लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ गलत हो गया है या कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश हो रही है। आज हम लोग एक ऐसे ही विवादास्पद मुद्दे को छूने जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें आप लोगों को मैं बतला दूं कि मैं आज कोशिश करूंगा कि जो भी विसंगतियां या जो भी भ्रांतियां इस कानून के बारे में हैं, या वाकई क्या ये कानून कहीं से भी कुछ गलत है जो हमारे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है, क्या ऐसा कहीं कुछ है, इसकी पड़ताल की जाए। एक स्वच्छ और निष्पक्ष पड़ताल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी तरफ से, पूरी तरफ से मेरी ये कोशिश होगी कि जो हमारा है कि हम लोग पूरे विश्व को अपना हिस्सा मानते हैं या पूरे विश्व को हम लोग अपने ही धरोहर मानते हैं, उस परंपरा को कहीं ना कहीं हम लोग लेकर आगे चले। इस चीज़ को लेकर मेरी पूरी की पूरी ये कोशिश होगी। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की। अब ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है, ये सबसे पहले चीज़ जो है वो डिस्कस करता है वो है आपका इलीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी कौन होंगे? सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले समझिए इलीगल माइग्रेंट्स कौन होगा। इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो देश में अवैध रूप से घुसे हैं या वे जिनका वीजा पीरियड एक्सपायर हो चुका है या वे जो किसी भी प्रकार से शरणार्थी के रूप में आ गए हैं। अब यहाँ पर जो शरणार्थी के रूप में आए हैं शरण मांगते हुए, वो कहीं भी आपके हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में ही काउंट किए जाते हैं। पूरे विश्व में यही परंपरा है, पूरे विश्व में ट्रेडिशन यही है। आप देखो कि मैक्सिको से अक्सर लोग कोशिश करते रहते हैं यूएसए की सीमा में जाने की, यूएसए उसे रोकने की कोशिश करता है, बीच समुद्र में वहां दीवारें बना दी गई हैं। बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे, गूगल करेंगे तो आप लोग को यूएसए और मैक्सिको की सीमा का आप पिक्चर को गूगल कीजिए, बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कई बार बहुत ज्यादा आश्चर्य लगा कि इस पूरे के पूरे CAA के बिल को भारत की तुलना इसराइल से कर दी गई। यहां पर याद रखना पड़ेगा, इसराइल एक अलग मुद्दा है, भारत एक अलग मुद्दा है। इसराइल एक ऐसी स्थिति थी जहां पर पूरे विश्व के जो यहूदी थे उन्होंने फिलिस्तीन के एक इलाके को यह तय किया कि यह हमारी मदरलैंड होगी, क्योंकि ये सब जगह से भगा दिए गए थे। तो अंत में ऐसी स्थिति में ये आपका इसराइल का फॉर्मेशन है, लेकिन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जहां तक बात आती है भारत में किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव होने या करने की कोशिश करने का, तो हम लोग को पहले तो CAA एक्ट को पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तब हम इसके ऊपर उचित रूप से मंतव्य अपना दे पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने समझा, सबसे पहला इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स वे हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के हैं, या फिर उनका वीजा एक्सपायर कर चुका है। याद रखिएगा, ये आपके बिना परमिशन देश में घुसे हुए लोगों को कहा गया है इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी। यहां पर अब बात करते हैं, इस पूरे के पूरे बिल में जो अमेंडमेंट किया गया है वो शरणार्थियों को लेकर किया गया। वैसे शरणार्थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत ट्रैवल कर रहे हैं, चीजों को यहां पर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान आप समझ लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इन सारे शरणार्थियों को भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी। यहां पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या ये प्रस्ताव या ये कानून मुस्लिमों के विरुद्ध है, यहां पर क्योंकि एक ही ऐसी अल्पसंख्यक कैटेगरी है जिसे छोड़ दिया गया है, वो है मुस्लिम। का क्या कारण रहा होगा? जब संविधान में इस संशोधन के बारे में विचार किया गया होगा तो कारण क्या रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें इस बिल से अलग रखा गया? सबसे पहला कारण यहां पर आपको समझना पड़ेगा, 1947 बात करते हैं, जहां पर आजादी की हमारी शुरुआत हुई थी, आजादी हमें मिली 1947 में पाकिस्तान बना। अब निश्चित तौर पर इस विभाजन का आधार धर्म था, इसके अलावा भाषा या अन्य कुछ नहीं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, ये सिरे से गलत है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन का एक ही आधार था, वो था धर्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। 1947 में पाकिस्तान में कुछ अल्पसंख्यकों की आबादी 23% के आसपास थी।
जो आज गिरकर 3 से 4% हो गई है, जिसमें एक बड़ी संख्या हिंदुओं की और क्रिश्चियनों की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में अगर हम बात करते हैं तो 1971, यहाँ पर आपको 47 मैं नहीं पकड़ने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आप 1947 में से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1971 में बांग्लादेश में जो आज़ादी थी, सॉरी क्षमा करेंगे, बांग्लादेश में जो आबादी थी हिंदुओं की मुस्लिमों के अपेक्षा में, तो यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज आपका दूसरे तरह का था। यहाँ पर 21% हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम्स थे। अब यहाँ पर अदर माइनॉरिटीज की संख्या काफ़ी कम थी, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अदर माइनॉरिटीज़ भी काफ़ी संख्या में हैं, पंजाबी हैं, क्रिश्चियंस हैं। अब बांग्लादेश में 1971 में कुल अगर बात करेंगे तो आबादी का 21% हिंदू हुआ करते थे। आज के टाइम में यह 9% से कम, यानी कि 8.5% बचे हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की आबादी या फिर माइनॉरिटीज़ की आबादी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कम हुई है। वहीं अफगानिस्तान में बात करेंगे तो आज महज 700 या 800 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बचे हैं, जिनमें अधिकांशतः सिख हैं। इनमें से बहुत सारे लोग अमेरिका इत्यादि जगहों पर जा चुके हैं, कुछ भारत आ चुके हैं या विश्व के अलग अलग हिस्सों में। आज से अगर बात करेंगे 1980 के डिकेट्स में, वहाँ करीब करीब आबादी आपकी 10 लाख के आसपास हुआ करती थी। बाद में फिर रिपोर्ट आई, 50-60 हज़ार लोग बचे हैं, और उसके बाद फिर आपका अभी मुश्किल से 800 से 900 लोग बचे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया। तो सबसे पहला चीज़ याद रखिए, उनके ऊपर धार्मिक आधार पर कोई भी प्रताड़ना नहीं हो रही है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में। दूसरी चीज, क्या अब इस एक्ट के आने के बाद क्या कोई पाकिस्तानी मुसलमान भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा? कोई बांग्लादेशी क्या भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा? कोई बांग्लादेशी मुसलमान या कोई अफगानी मुसलमान भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन फैलाई गई है, बहुत बड़ी ये भ्रांति है हमारे बीच में। आपको मैं सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल दूंगा अदनान सामी का। श्री अदनान सामी जी आज से कई वर्ष पहले भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली 11 वर्ष बिताए और एक नागरिक की तरह पुष्ट किया उन्होंने कि वो एक सच्चे भारतीय हैं। उसके बाद आज भारत के वो नागरिक बन चुके हैं, भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया। 2014 से भी करीब करीब 1000 से ऊपर लोगों को, 1000 के आसपास के पाकिस्तानियों को या बांग्लादेशियों को यहाँ पर नागरिकता दी जा चुकी है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान भारत के नागरिक नहीं बन सकते, बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बन सकते? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानिस्तानी मुसलमान भारत के नागरिक नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनको 11 साल तक रहना है भारत में और ये प्रूफ करना है, जो कि पहले रूल था, अभी भी वही रूल है, उसे नहीं बदला गया है। नंबर वन चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको और मैं बता दूँ कि भारत सरकार ने यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भारत आएंगे, वो आने के साथ ही डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिक की तरह बिहेव किए जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन से एरियाज इसमें एक्सेप्शनल हैं। तो एक्सेप्शनल एरियाज को सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। एक्सेप्शनल एरियाज को देखिए कौन कौन से हैं हमारे। यहाँ पर याद रखिएगा 6th शेड्यूल में आने वाले एरियाज जिसमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये इनर लाइन परमिट को कह देने से एक्सप्लेन नहीं होता पूरा का पूरा। मैं एक एक एरिया आपको बताता चलता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यहाँ पर ये सारे के सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 6th शेड्यूल लागू होता है। अब इसमें कौन कौन सा इलाका है, जैसे आसाम का इलाका हम लोग बात करेंगे तो कार्बी आंगलोंग का इलाका है, गारो हिल्स मेघालय का इलाका है, वहीं आपका अगर बात करेंगे तो चकमा आपका मेघालय का ही इलाका है, साथ में त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में। यह एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर याद रखिएगा 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर
रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर लागू है। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर लागू है। इन इलाकों में भारत के भी लोगों को जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसमें वो बतलाते हैं कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, ताकि एक जगह पर काउंटिंग रखी जा सके। ये सारे के सारे वे जनजातीय इलाके हैं जहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्वायत्तता उन लोगों को दे रखी है, ताकि उनके जो रोजमर्रा के डेली उनका पूरा का पूरा नेचर ऑफ लाइफ है उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन न आए। हालांकि यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्यों बनाया गया था मैं इसके बारे में भी आप लोग को बतला दूं। यहाँ पर अक्सर होता क्या था कि इन इलाकों से अंग्रेजों के ऊपर बड़े आक्रमण होते थे। अब इनके बड़े आक्रमण के डर के भय से अंग्रेजों ने इस प्रकार का एक एक्ट बना दिया, जिसमें इन सारे इलाकों में डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं रह सकता था, उसे अंग्रेजी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो विथ परमिशन ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट ही जा सकता था उन इलाकों में। तो उनको रोकने के लिए पहला तो उनके आक्रमण का खतरा था, आसाम के लोग आक्रमण कर देंगे, वो ट्राइबल एरियाज थे, वो कभी भी आक्रमण कर सकते थे। अब आप लोग झारखंड में अगर गए तो बिरसा मुंडा का आप लोगों ने आक्रमण देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा। बिरसा मुंडा ने चर्च से लेकर थाने तक के पूरे स्थितियों सारे के सारे जगहों को टारगेट किया था। अब देखिए ये जो पॉइंट आपका निकल कर आ रहा है कि ट्राइबल एरियाज से डर, तो ट्राइबल एरियाज से डर अंग्रेजों को ज्यादा रहता था, नतीजा उन्होंने एक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की। दूसरा, वहां पर क्रिश्चियनिटी के प्रसार और प्रचार के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप वहां पर ना हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लान तरीके से उसे एक प्रकार से पूरे के पूरे जो जनजातीय आबादी है उसे क्रिश्चियन आबादी में कन्वर्ट किया गया है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये एक्ट बनाया था। चलिए अगली पॉइंट को हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो प्रोसेस होता है नेचुरलाइजेशन का। नेचुरलाइजेशन यानी कि जिसके जरिए कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता ले सकता है, वो है क्या और वो कैसे काम करता है। सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है उसे भारत में रहना पड़ेगा। अब उसमें दो तीन चीजें उसमें है, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का में काम कर रहा है, यदि वो भारत सरकार में काम कर रहा है, तो 12 महीने के अंदर उसे नागरिकता मिल सकती है, या फिर वह लगातार 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहे तब उसे नागरिकता के योग्य माना जाता है। तो ये नेचुरलाइजेशन की कुछ शर्तें हैं जिसे लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीजें होंगी, मैं आपको और भी चीजें बतलाता चलूं। कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिसके ऊपर इन सिटीजन्स ने जब रजिस्ट्रेशन कराया है भारतीय नागरिकता के लिए, तो OCI रजिस्ट्रेशन कौन कौन से ग्राउंड पर खारिज हो सकता है, रद्द हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बात है, क्योंकि आज के समय में फेसबुक है, ट्विटर है, डिफरेंट अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर लोग अपने अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों आप लोग को समझनी होगी। सबसे पहला, अगर वह देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिफेक्शन शो करते हैं, एक प्रकार से असंतुष्टि शो करते हैं, या कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारा के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा, अगर वह दुश्मन देश के लोगों के साथ या दुश्मन देश के साथ अगर इंगेज रहते हैं, तो युद्ध समय में अगर ऐसा वो करते हैं तो उनकी नागरिकता का आवेदन रद्द किया जा सकता है। तीसरा, उनको भारत की एकता और अखंडता में रुचि दिखलानी पड़ेगी और उसके लिए उसे प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कहीं वो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो देश के जो नागरिक बनने जा रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे। चलिए अगला आते हैं। यदि नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन के पहले 5 वर्ष के अंदर अगर उन्हें 2 या 2 से ज्यादा वर्ष की सजा हो जाए, तब भी उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अब CAA के एक्ट ने इसमें एक और क्लाउज जोड़ा है, वो कौन सा क्लाउज है इस चीज को भी समझना होगा। वो क्लाउज है आपका, यदि दो लोग जो चाहते हैं भारत के नागरिक बने और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो यहां पर याद रखिएगा वो कोई भी लॉ को वायलेट कर रहे हैं कंट्री का, अगर वो किसी भी कानून को तोड़ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत में रह सकते हैं या रह रहे हैं, तभी वो इस नागरिकता के हकदार होंगी।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हुआ चलूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम अगर भारत का नागरिक बन रहा है तो उसे 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे शरणार्थी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन हैं, वे अगर 6 साल तक भी भारत में रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसके लिए कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए जितने भी लोग हैं उन सबको नागरिकता दी जा रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई सीधा सा इनको देने की जरूरत ही क्या थी, नहीं देते तो क्या हो जाता? बिल्कुल सही है, नहीं देते कुछ नहीं हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में माहौल कैसा है, जरा इस चीज को देखिए। भारत में 1947 में मुस्लिम थे 7%, आज हैं वो 14%। निश्चित तौर पर वो सारी आज़ादी की सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं और एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या हो गई दुगनी और बाकी देशों में हो गई है 1/4 से कम। तब आप समझ सकते हैं कि भारत एक सबसे बेहतरीन जगह है रहने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति, किसी पंथ या किसी विचारधारा का सम्मान करता हो, उन सब के लिए एक बहुत बेहतर जगह है भारत रहने के लिए। आने वाले समय में आप 10 से 20 साल, 30 साल देख लीजिए, 30 साल के बाद अमेरिका से लोग आएंगे रहने के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको और हमको काफी गहरे से प्रभावित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की है आपको इस सीए के बारे में एक इन्फॉर्म्ड, जो आपके पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप में आप शामिल हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर स्थिति क्या है कि कौआ कान ले गया, ये सारे के सारे लोग जानते हैं। अब ये सारे के सारे लोग कौआ के पीछे दौड़ रहे हैं, न कि कान टटोल के देख रहे हैं। तो बेहतर है कान को टटोल कर देखिए। याद रखिएगा, ये कानून कहीं से भी किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बना है। यह किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता और न इसके जरिए किसी के नागरिक को ऊपर कोई संकट आएगा। बस यह है कि जो घुसपैठी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश है। और अगर वो चाहते हैं कि भारत का नागरिक बने तो ज्यादा बेहतर है वो वीजा लेकर आए, 11 साल तक रहें। और अगर मान लीजिए भारत से प्यार है तो कोई दिक्कत कहाँ है, भारत से प्यार है आपको, आइए आप भारत में, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल आइए। लेकिन वैध तरीके से आइए, लीगल तरीके से आइए, 11 साल रहिए, हम देंगे आपको नागरिकता, चिंता क्यों करते हैं। या फिर आप वीजा लेकर आइए, बिजनेस करने क्यों ला रहे हैं, वीजा लेकर आइए, वापस फिर चले जाइए, फिर जब आपको जरूरत है फिर वीजा लेकर आइए। भारत सरकार ने सबसे बड़ा बांग्लादेश में अपना वीजा सेंटर खोला है, फिर सोचने की बात क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर की। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं अगर कोई सिस्टम में या कहीं और कोई प्रॉब्लम होगी तो निश्चित तौर पर उसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।